जीआरपी थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बंगाल के शातिर मोबाइल चोर शुक्रुद्दीन मियां को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शातिर मोबाइल चोर के पास से चोरी के 45 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद की गई मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए एसपी रेलवे अवधेश सिंह ने बताया कि रेलवे और बस स्टेशन पर सक्रिय रहते हुए मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देता था। चोरी करने के बाद तस्करी के जरिए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश बॉर्डर पर चोरी का मोबाइल फोन पहुंचाते थे। उसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर चोरी के मोबाइल फोन बेचे जाते थे। एसपी रेलवे अवधेश सिंह ने बताया कि शातिर मोबाइल चोर शुक्रुद्दीन मियां को रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी रेलवे अवधेश सिंह ने कहा, ट्रेनों में चेकिंग की कार्यवाही की जा रही थी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर। उस चेकिंग के दौरान हमारी टीम को आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एक जितेंद्र डोम और बाबू डोम निवासी डोम खाना मुगलसराय, जो मऊ थाने में गिरफ्तार हुआ है। ये चोरी लूट और गैंगस्टर का अभियुक्त है। कुल मिलाकर के इसके ऊपर 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरे गिरफ्तारी जो है ये गोरखपुर से हुई है। शुक्रुद्दीन मियां पुत्र फारूक मियां मालदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके पास से 45 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और पूछताछ में ये जानकारी हुई कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन, वहाँ से ये चोरी करते हैं और लेकर के पश्चिम बंगाल जा रहे थे। वहाँ सर यहाँ बांग्लादेश चली जाती है, जिससे फिर सर्विलांस के माध्यम से भी ये टेस्ट नहीं हो पाती है। इसके बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है कि किसके किसके चोरी के मोबाइल हैं और इसमें और कौन लोग शामिल हैं, उनकी विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज से भी चोरी करते हैं, रेलवे स्टेशन से भी चोरी करते हैं। जहाँ इनको घात मिलती है वहीं से चोरी कर लेते हैं और फिर ले जा करके ये कुछ मोबाइल शॉप की दुकानें होती हैं उनको भी बेचते हैं, लेकिन जो भी बेचते हैं वो पश्चिम बंगाल में ही ले जा करके बेचते हैं। यहाँ पर ये बिक्री का कोई काम नहीं करते। सर क्या और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं? हाँ, उसकी विवेचना के दौरान कार्रवाई की जा रही। जो लोग भी नाम सामने आएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।